हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जो है वो काउंसलिंग डेट अनाउंस कर दिया गया है, और ये काउंसलिंग डेट कब है ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों की ये काउंसलिंग डेट निकाली जाएंगी, और मेरिट लिस्ट आने के कितने दिन बाद काउंसलिंग डेट आएगी, और उसके कितने दिन बाद एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, और एग्ज़ाम कहाँ पर लिया जाएगा, ये सारे जो डाउट है आपके मन में इसे मैं आज इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना कमेंट किया था कि मैम साहिबगंज चतरा का और भी बहुत एरियाज़ का बोला था कि वहाँ पे मेरिट लिस्ट कब आया है और इसका काउंसलिंग डेट कब होगा और इसका जो है एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराएगा कहाँ पे। तो ये जो सारी बात है मैं उसको आज इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो आपको खुद से चेक करना है कि इसका काउंसलिंग डेट कब आएगा और इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो ये सारे अपने ज़िले की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे बताइए, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगी। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जो है काउंसलिंग डेट अनाउंस कर दिया गया है, और वो है आपका 14 दिसंबर 2021 को है 11 बजे सुबह से लेके, जिसमें आपका है पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस सब्जेक्ट का है और कहाँ कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान का है, तो यहाँ पे 14 दिसंबर को जो काउंसलिंग डेट अनाउंस की गई है वो इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान की है, और यहाँ पे शारीरिक शिक्षा एवं उर्दू की है। तो यहाँ पे अगर आपका इसमें से होगा सब्जेक्ट तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पहले ये स्टार्टिंग में हमारा मेरिट लिस्ट आता है, उसके बाद फिर हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो काउंसलिंग में उसी का सिलेक्शन होता है जिसका मेरिट लिस्ट बनता है, यानी कि जिसका जो है परसेंटेज नंबर जो भी है वो ज़्यादा रहता है, तो उसी का यहाँ पे मेरिट बनेगा और उसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसी का एग्ज़ाम देगा। और मैं आपको बताऊँ कि इसका एग्ज़ाम कहाँ पे लिया जाएगा, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो आपके ब्लॉक के, आपके डिस्ट्रिक्ट के शिक्षा विभाग में लिया जाएगा। ये क्लियर है, ये आपका 100% है कि इसका एग्ज़ाम शिक्षा विभाग में ही लिया जाएगा। और अगर कोई चेंजेस आते हैं तो मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे बात आती है चतरा की, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि चतरा का जो है वो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। टीचर की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, और अकाउंटेंट की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, गढ़वा की भी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो याद रखिए, आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है वहाँ पर सिर्फ आपको ये बोला जाएगा अगर किसी के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है, सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपका सेकेंड लिस्ट आएगा, उसमें आपको देखिए, उसके बाद फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर आपकी बात क्लियर हो गई है। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ऑलमोस्ट सारी जगहों पे झारखंड में है ये जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे मेरिट लिस्ट आ चुका है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लेकिन आपको पहले मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट आ चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अभी अभी आया है। देखिए यहाँ पे हजारीबाग में आया है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि चतरा में आया है। तो आपको अगर चेक करना है तो आप यहाँ पर तो अपने एरिया के वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि balamu.nic.in पे जाके हम लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आया होगा तो वहाँ पे शो कर देगा। और ऐसे ही जो है धनबाद का आया होगा तो धनबाद.nic.in पे जाके हम चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने ज़िले में कोई भी वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो वैसे देती ही रहती हूँ।
तो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और ये जो काउंसलिंग डेट है ये आई है आपकी यूपी से कन्नौज के लिए, तो याद करिए स्टार्टिंग में कि हमारा जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जो वैकेंसी आ रहा था वो स्टार्टिंग था यूपी से ही, तो यूपी के बाद हमारे झारखंड में आया था। तो यहाँ पे हमारे झारखंड में मेरिट लिस्ट जारी होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मेरिट लिस्ट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आना जारी हो चुका है, जिसमें हमें कोई प्रोसेस नहीं करनी है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे एप्लीकेशन लिखेंगे, अदरवाइज हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे कि यूपी में आना स्टार्ट हो चुका है, अब हमारे झारखंड में आना स्टार्ट होंगी। जैसे जैसे हमारे झारखंड में ये वैकेंसी आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। हालांकि यहाँ पे गढ़वा में फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, और अगर चतरा का भी मेरिट लिस्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। आपको कहीं का भी मेरिट लिस्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अपने चैनल पे कोई फेक न्यूज़ नहीं डालती हूँ, जो होता है सच में डालती हूँ, और ऐसे ही मैं हमेशा डालूंगी। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है ब्लॉग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी।